Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुझे खुशी है कि इसी साल हमारे कॉलेज में दाखिला लेने वाले इस नए स्टूडेंट अमित मेहरा ने उस राखी को बॉक्सिंग में हराया है जो पिछले 4 साल से लगातार यूनिवर्सिटी का चैंपियन चला आ रहा था। इसलिए इस साल ऊटी में होने वाले ऑल इंडिया इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा अमित मेहरा। अरे मजा आ गया यार, अरे मजा आ गया मित्र जीतने की खुशी में। अरे बाबा, आज रात को फिर हो जावे पार्टी? बिल्कुल हो जाए मेरे गोवर्धन मालपानी। पर मेरे डैडी, ए यार डैडी को तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार? परेशान डैडी मेरा बड़ा परेशान, डैडी मेरा बड़ा परेशान, कता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान, डैडी मेरा बड़ा परेशान, कता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान। आधी रात आता है तो एक को जगाता है, अपनी धुन में रहे बात नहीं आता है, गुस्से में आके मैं रोकूं या टोकूं तो बनता है अनजान अब्बा जान। डैडी मेरा बड़ा परेशान, कहता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान, डैडी मेरा बड़ा परेशान, कहता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान। होता है यारो म्यूजिक लगा के रॉक एंड रोल, दिल मेरा रोता है यारो।
मेरे ऐसा भी होता है यारो, म्यूजिक लगा के रॉक एंड रोल दिल मेरा रोता है यारो। रोज तरकीब कोई नहीं मैं चलाता हूँ, किसी बहाने डिस्को जरूर जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या, अपने ही डैडी को बुद्धू बनाता हूँ। कैसे वो समझेगा आज के जमाने में ऐसे ही बढ़ती है शान। डैडी मेरा बड़ा परेशान करता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान। डैडी मेरा बड़ा परेशान करता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान। सेम प्रॉब्लम हियर यार। कभी कभी साथ मेरे ऐसा भी होता है यारो, कभी कभी साथ मेरे ऐसा भी होता है यारो। फोन पकड़ के हाथ में दिल मेरा रोता है यारो। गर्लफ्रेंड पूछे यार कब मिलोगे, मैं सोचूं मन में डैडी कब हिलोगे। गर्लफ्रेंड पूछे यार कब मिलोगे, मैं सोचूं मन में डैडी कब हिलोगे। कहता नहीं क्यों तू डैडी से, क्या डैडी मैं भी तो हूँ अब जवान। अब जान डैडी मेरा बड़ा परेशान करता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान। डैडी मेरा बड़ा परेशान करता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान। आधी रात आता है सोए को जगाता है, अपनी धुन में रह पास नहीं आता है। गुस्से में आके मैं रोकूं या टोकूं तो बनता है अनजान। डैडी मेरा बड़ा परेशान करता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान। डैडी मेरा बड़ा परेशान करता हो गया मुंडा मेरा बड़ा शैतान। हाँ यार वो मोटी तो हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई। अबे मालपानी, तेरे पीछे मोटी नहीं पड़ेगी तो और कौन पड़ेगी? एक सिगरेट देना यार। और कुछ लेंगे आप? बियर विस्की राम जिन वगैरह वगैरह कुछ भी पिला दे यार। चलिए आप। हाँ बेटा मैं तुम्हारा इकलौता बाप। अरे कैसे बाप हो यार, बच्चे को मार रहे हो? बच्चा है तू? हाँ डिस्को में आधी दर्जन लड़कियों की फौज को लेकर लोरी सुना रहा था और दूध की बोतल को मुंह लगाकर बियर पी रहा है। तू मुझे उल्लू समझता है? नहीं नहीं दादी, अगर मैं आपको उल्लू समझूंगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे? उल्लू का पट्टा। थैंक यू। तुम यूथ फेस्टिवल के लिए ऊटी कब जाओगे? कल सुबह जा रहा हूँ डैड। नहीं तुम आज बैंगलोर जाना, वहां से ऊटी चले जाना। बैंगलोर? हाँ वहां मैंने एक लड़की देखी है। रियली डैड, कितने वर्ष की है? बेवकूफ, लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती। वैसे आज उसका बर्थडे है, उसका बाप तो चाहता था कि हम दोनों फंक्शन में चले जाएं, लेकिन मेरी एक बोर्ड मीटिंग है, इसे लड़की तुम पसंद कर लो। जी मेरे बाप, ये काम 10-15 साल पहले किया होता ना तो आज मेरे 4-5 भाई बहन होते। शाड़ाप। मैं अपनी नहीं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी? लेकिन मेरी शादी की बात आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और एक अच्छे बाप की तरह मेरा फर्ज है कि तुम्हारी शादी की बात करूँ। इसलिए मैंने अपने दोस्त ओबेरॉय से कहा है कि। कौन? ओबेरॉय अंकल, आपके बिजनेस पार्टनर? यस वही, मैंने उसकी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। ओ माँ। हाँ, तुम्हारी माँ की भी यही मर्जी थी। बट डैड। नो बट, दिस इज माय ऑर्डर। तुम आज ही बैंगलोर जाओगे और लड़की को देखोगे, ओके? अगर लड़की पसंद नहीं आई तो? तुम्हारी पसंद नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओ नो। ओ यस, मैं भी फोन पर ओबेरॉय को तुम्हारे पहुँचने की खबर कर देता हूँ, ओके? प्लीज डैड। बोलो ना। ठीक है, डोंट इन्फॉर्म देम, मैं खुद ही जाके उनसे मिलूंगा। गुड। અરે આવો આવો જુઓ, મારી હેલ્થ ક્લબ ની છોકરીયા કેવી લગન સાથે એક્સરસાઇઝ કરે છે। દીદી ક્યાં હુઆ ગંજા? અરે તુમ્હારા ક્લબ કા યે શબ લડકી લોગ
पीछू से माधुरी दीक्षित लगता है। ओह थैंक यू मिस्टर सेन। मारो नहीं प्लीज प्लीज। तो फिर कितने टॉके का चेक काटूं? अरे जब हम माधुरी दीक्षित के नाम का हेल्थ क्लब बनाएगा ना, ये सुन के माधुरी दीक्षित मेरे कदमों में गिर। तुमने हमको मारा? हाँ मैंने मारा गंजे गौंजा। अरे मारता है ऊपर से गौंजा बोलता है, मैं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा हमको मारा। भागता किधर है? भागते किधर है? तो गौंजा बोलती है बेटा। क्या बात है डैड? क्या बात है, आज बड़ी म्यूजिकल हो रही है, खैरियत? मैं तो आपका अंदाज देखकर अंदाजा लगा रही थी कि आज आप ऑफिस नहीं बल्कि किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो। क्यों? हाँ काश। रियली डैड यू आर लुकिंग टू हैंडसम टुडे। हाँ डैडी ये आपको मस्का लगा रही है। अरे मैं सब समझता हूँ, ये आज जरूर कोई पिछारत करके आई है। सनम आज फिर कोई? यस डैड आज तो ऐसा हाथ मारा कि टकला गोलाठी ही खा गया, बिल्कुल बंदर की तरह। देखो बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, ये बचपन की आदत छोड़ दो, अब तुम्हें सुधरना पड़ेगा। सुधरेगी नहीं तो यही तेरी आदत एक ना एक दिन तुझे बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना। हाँ याद रखेगी, तुम पहले खुशखबरी तो सुनाओ। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गई। शिखा तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर तुम्हारा अमित आ रहा है। कौन मेरा अमित? अरे मेरा का बेटा अमित। डैडी मम्मी आर यू सीरियस? तो तू क्या समझ रही है? नहीं वो मैं समझ रही थी कि आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक? बेटी हमने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, क्या उसे मजाक था? नहीं डैडी। तुम्हारी हर ख्वाहिश हर तमन्ना हर अरमान को पूरा करना अपना धर्म समझा, क्या वो भी मजाक था? नहीं डैडी वो सब तो मजाक नहीं था। तो ये भी मजाक नहीं है, मेरा का बेटा ही मेरा दामाद बनेगा, क्योंकि मैंने मेरा की बीवी को उस वक्त ये वचन दिया था जब वो जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी, और मैं अपनी आखिरी सांस तक ये वचन निभा कर रहूंगा। You understand that? Yes, Daddy. क्या हुआ शिखा, क्या तुम सचमुच इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं मैं किसी और से प्यार करती हूँ। What? और मुझे बताया तक नहीं? सनम मैं एक अच्छा मौका देखकर तुझे ये बताने ही वाली थी। पहले ये तो बता कि वो खुशनसीब है कौन जिस पे तुम्हारा दिल आ गया है? आनंद। आनंद? You mean his master voice? वो जो अपने गले से तरह तरह की आवाजें निकालता है वो आनंद? वेटर जल्दी से मेरा ये ठंडा बियर खोल के इधर रख दे। सॉरी आनंद बाबू ये बियर आपके लिए नहीं है, मैनेजर साहब ने कहा नो मोर क्रेडिट। स्विमिंग टाइम इज नाउ ओवर, थैंक यू। अच्छा हाय हाय। अरे जूलियो क्यों डार्लिंग, अब आए ना जिंदगी जीने का मजा। हाँ योर अटेंशन प्लीज, एक खतरनाक सूचना, यहाँ कोई शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ आई हुई है, उसका पति मशीन गन लेकर अपनी बीवी और उसके प्रेमी को मारने
इधर आ रहा है। लगता है बॉस को हमारा पता चल गया। सुनीता शट अप। सुनीता नहीं मैडम कहो। तेरा घर वाला पटियालों तो पीछा करते करते इतने तक आ पहुंचे। हाय रबा हुन की होएगा। मैनू नहीं पता बाबा, मैं तेनू नहीं जानता। अब क्या होगा जीजा जी? अब पहले जीजा जी की साली भाग यहाँ से। तुम एक मिनट हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ? बड़ी सीरियस लग रही हो तुम। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है आनंद। क्या हुआ? बॉम्बे से मेरे डैडी के दोस्त का बेटा मुझे देखने आ रहा है। तो देखने दो। What's the problem? Don't be silly, Anand. Be serious. I am always serious in life. Yeah. Daddy, Daddy, उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? हाँ। अरे जिस फूल को हम चुन लेते हैं, उसे तो भवरे भी चुमने की हिम्मत नहीं करते। और ये साला हमारी जाने मन पर हक जमाने आ रहा है। हाथ पैर तोड़वा के ही जाएगा। क्या नाम है उसका? अमित मेहरा। हाँ तो कहिए आप कहाँ चलेंगे मिस्टर अमित मेहरा? अरे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो सब छोड़िए साहब, आप सिर्फ इतना बताइए कि ओबरॉय साहब के बाजू में जो आपका बंगला है, आप वहाँ जाना पसंद करेंगे या फिर किसी होटल में? हैं? ओ भाई तुम जोशी हो या जासूस, मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो? यही क्या साहब, मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप अपने डैडी के साथ एक साल पहले ही कनाडा से इंडिया आकर बम्बई में सेटल हुए हैं। ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज आप पहली बार बैंगलोर आ रहे हैं। ठीक है। और बैंगलोर में आप ओबरॉय साहब की उस बेटी शिखा को देखने आए हैं जिसके साथ आपका बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। ये भी ठीक है। बस यही तो ठीक नहीं है साहब। सर मेरी मानिए तो एयरपोर्ट लौट चलिए आप। क्यों? क्योंकि वो शिखा का चक्कर है ना, एक बहुत ही खतरनाक गुंडे के साथ है। आनंद नाम है उसका। 2-4 को तो उसने ऐसे ही टुई टुई करके ऊपर पहुंचा दिया। हाँ। अच्छा? ये देखिए सर, ये आनंद के आदमी है। ये आपसे निपटने आए हैं। शक्ल से तो बहुत डेंजर लगते हैं। अब आप ही देखिए सर, आपने बैंगलोर में कदम रखा और वहां आनंद को पता चला। मैं तो कहता हूँ सर, किसको यहाँ से, वरना मालूम नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप कहते हो तो मैं गाड़ी एयरपोर्ट घुमा लूँगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिलैक्स। हाँ तो आनंद जी, अब आपका क्या किया जाए? आनंद जी आपने पहचान लिया मुझे? बहुत पहले ही पहचान लिया था। हेलो। एक काम कीजिए, आपके तीनों कार्टूनों की जगह संभाल लीजिए, बेचारों का बहुत बुरा हाल है। मैं अभी आया। हाँ। चलो उठो उठो। क्या इसी बात के पैसे दिए थे साले ठकले? मार खाने के पैसे दिए थे? हाँ? मार खाने के पैसे दिए थे। एक मिनट मिस्टर आनंद, अगर शिखा मुझे पसंद आ गई तो मैं आप ही कह दूंगा शिखा मेरी है और मेरी ही रहेगी। आप
इसे पैक कर दीजिए। आई लाइक दिस। योर पास मैडम। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। ए मिस्टर, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को इंप्रेस करने का ये पैंतरा हम हिंदी फिल्मों में बहुत बार देख चुके हैं। अच्छा, उठ, अब उठ ना। ले, भाग। अबे भाग। ए! ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, ये वो पैंतरा है जो फिल्मों में पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इडियट, स्टुपिड। हेलो, अमित आ रहा है ना? आज जो लिस्ट मैंने दी थी उन सबको आपने बुलाया ना? अरे मैं कब से पूछी जा रही हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ बोलने दोगी? कुछ बोलने दोगी तब ना, तुम्हारी बड़बड़ सुन के मेरा सर दुखने लगा है। बोलो। देखो, इस पार्टी में मैं सिर्फ मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं करने वाला। और सारा इंतजाम? इंतजाम के लिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े शोपीस, मतलब शोमैन गोकुल पाई साहब को दे दिया है। अरे तो उन्हें यहाँ बुलाइए ना, मैं भी तो बात करूँ उनसे। बुलाओ फिर। पाई साहब। एक्सक्यूज मी। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए पाई साहब, आपने सब कुछ घाई घाई में तो नहीं किया है ना? देखिए भाभी जी, मुझ में गोकुल भी है और पाई भी है। यानी गोकुल हमेशा कूल रहता है, ये पाई जो है ना वो घाई में रहता है। ए भाई, कितनी बार बोला, मार रखो। आहिस्ता, आप किसी भी एंगल से देखिए, पार्टी हिट है। हिट का मतलब वो तुम्हारे पोस्टर वाला हिट नहीं चाहिए? क्या मतलब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे प्रॉब्लम कहाँ से होगी। अरे हाँ, एक प्रॉब्लम है। कौन सा? वेयर इज द बर्थडे गर्ल? शिखा बेटी, जन्मदिन मुबारक हो। मामा जी। बेटी बहुत बहुत बधाई हो, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। भगवान करे तुम्हारे सपनों का राजकुमार जल्दी से आए और तुम्हें परियों के देश में ले जाए। वाह 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 वाह। भाई ये तो हो गया तुम्हारी मामी की तरफ से। मेरी तरफ से तोहफे में एक शेर अर्ज है। नहीं 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 मामा जी, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप शेर पढ़ेंगे और मुझे वावा करनी पड़ेगी। हाँ। और वो भी झूठ मूठ की। इसमें हंसने की क्या बात है? मेरी अगली फिल्म में तो आपका कमाल का रोल है। हुजूर, हुजूर, 100 साल की उम्र होगी आपकी, पूरे 100 साल की कसम से। अभी तसव्वुर किया और आप यहाँ? नहीं, आ गया पकाओ। आइए आइए आलोक साहब, आइए। भाई गर्ल्स, ये है हमारे लिरिस्ट, यू नो, गीतकार मेरी फिल्म के, आलोक लखनवी। अपने सेठ जी के साले हैं। सेठ जी मेरे फिनेंसर ओबरॉय साहब। और ये है साजोल, ये है अधूरी, एंड शी करेक्ट अनीशा घोटाला, वो जो मैं फिल्म बना रहा हूँ ना, 3 बत्ती उसके 3 बल्ब, आई मीन हीरोइंस। दिल चूम गया जी आपसे मिलके, बस गले लगाने को जी चाह रहा है। एक मिनट, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी है ना, वरना जरूर शेर सुनाते हैं। जी क्या? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ बिजी है। अजी नहीं, बिजी नहीं है, बल्कि हुजूर आज एक नया नया ताजा शेर लिखा। क्या कह रहे हैं आप? इरशाद इरशाद तो लिखा है जी। तुम चली गई तो क्या हुआ, तुम चली गई तो क्या हुआ, 2 बार चली गई है। हाँ। तुम चली गई तो क्या हुआ, हवा ने मेरे दामन में नए मोती पिरो दिए। वाह 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 वाह, सुना? वाह वाह, खत्म हो गया? अब बस मुखड़ा था जी। क्या बात है, क्या बात है, ये मुखड़ा तो मेरे फिल्म के गीत का मुखड़ा होना चाहिए। आप यहीं रुकिए, मैं नलिन कुमार को सुना के आता हूँ। हाय नलिन। हाय, ओके एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। मैं भी तो तुम्हारी फैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ नहीं दोगे? श्योर, हियर वी गो।
आज से तुम्हारे हाथ के लकीरों में मेरा नाम छप गया है, उसे उम्र भर मिटा नहीं पाओगी। आजकल शूटिंग कहाँ चल रही है? बैंगलोर में ही, जरूर आइएगा। ओह नो, मैं तो कल ऊटी जा रही हूँ। अच्छा, who knows, शायद मेरी भी शूटिंग वहीं पर हो। ओ, सलम तो आपके नाम की दीवानी है, आपकी सारी फिल्में देख चुकी है। आजकल एक भी रिलीज नहीं है। आजकल क्या है ना, मैं जरा सिलेक्टेड फिल्में कर रहा हूँ, यू नो। अच्छा, कौन कौन सी फिल्में आ रही है? तीन बत्ती, तू चल मैं आया, पीछा करो। ये इडियट यहाँ भी आ गया। यू, चोर का भाई गिरे का, तेरी हिम्मत कैसी हुई आने की? Excellent, यहाँ पर बाप की एंट्री होगी। ओबरॉय साहब, यामी तो क्या कर रही है? सनम, तुम क्या कर रही हो? अरे, हमारे होने वाले दामाद पर आते ही डंडे बरसा दिए तुमने। तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगी। अमित है। सनम रुको, ये कैसी? नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे जीते रहो बेटे, तुम कितने बड़े हो गए हो बेटे, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। And now a happy ending, isn't it? चलो यार, आओ। जो मेरी स्टोरी है ना, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, पे ट्विस्ट, यार क्या बताऊँ? ये है मेरी लाडली शिखा। हाय। हेलो। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। तुम दोनों बातें करो, हम लोग अभी आते हैं। जी। बैठो। चलें? चलो ना। प्लीज। सी यू। मेरे डैडी सच में बहुत बड़े जौहरी हैं। क्या हीरा चुना उन्होंने मेरे लिए? कितनी खूबसूरत हैं आप। बिना काजल लगाए अगर आपने आईना देख लिया ना, तो आपको खुद की नजर लग जाएगी। क्या भाई, कहीं और जाके बजाओ ना यार। देखिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। यही कहना चाहती हैं ना आप कि हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे? अरे स्विट्जरलैंड क्या है, अगर मेरे बस चले ना तो मैं आपको चांद पर ले जाऊंगा। मुझे कोई चांद और सूरज पर नहीं जाना, मुझे एक बात का खुलासा करना है। ओके? यही कहना चाहती हैं ना आप कि आपको किसी और से प्यार है? ये फूल इस फूल की तरफ से कबूल कीजिए। चार हीरो की फिल्म कर। ब्यूटीफुल दीदी। तुमने तो कहा था कि तुम आनंद से प्यार करती हो। हाँ, करती तो हूँ। तो फिर तुमने पार्टी में उस जंगली जानवर अमित का दिया हुआ फूल कैसे स्वीकार कर लिया? अरे पगली, वो फूल अमित ने अपनी तरफ से नहीं दिया था, बल्कि आनंद की तरफ से दिया था। अमित वो नहीं है जो तू समझ रही है, वो तो ग्रेट है। ग्रेट ग्रेट? और मैं नहीं यार, मैं कोई ग्रेट वेट नहीं हूं। हम तो यारों के यार हैं और सच्चा प्यार करने वालों की कदरदान। या गुड शॉट यार, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम भी किसी लड़की से प्यार करते हो। ऐसा नहीं है, वैसे तो जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं। अच्छा? लेकिन वो सब करोड़पति सेठ मेहरा के इकलौते बेटे से प्यार करने वाली निकली। ओ। अब तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जो अमित मेहरा को परखे और समझे अमित मेहरा क्या चीज है। वाह, तुम तो बड़े जिंदा दिल आदमी हो। तुमसे दोस्ती करके तो मजा आएगा। क्या बात है यार, मजा तो तुमसे दोस्ती करके भी आएगा। अब यूथ फेस्टिवल में खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। दीवाने चार। वो कैसे? क्योंकि शिखा और सनम भी यूथ फेस्टिवल में आ रही है। क्या तुम अकेले लड़कियां गाड़ी लेकर जाओगी? अगर गाड़ी में ही जाना है तो अमित के साथ जाओ, वो भी तो वही जा रहा है। नो मॉम, हमारा अपना ग्रुप है। अरे लेकिन पहाड़ी रास्ता, इतनी दूर का सफर। नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन हम तो डैडी से ऑलरेडी इजाजत ले चुके हैं। तुम्हारे डैडी भी मुझसे पूछे बगैर इजाजत नहीं दे सकते। ओ,
डैडी डैडी क्या सुन रहे हैं हम? आप मम्मी से पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ओह नो डैडी, इसका मतलब लोगों की बात सच है? कौन सी बात? यही कि आप किटी पार्टियों में दावा करती हैं कि मैं तो अपने पति को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। सुमित्रा, क्या ये सच है? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था। रहने दो माम, अब आग होती है तो ही धुआं उठता है ना, वरना किसी को नहीं। हमारे डैडी को ही क्यों लोग जोरू का गुलाम कहते हैं? जोरू का गुलाम? चुप कर, बकवास है ये सब। बकवास कैसी? अभी आप ही ने तो कबूल किया कि आपको पूछे बगैर डैडी गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं दे सकते। अरे गाड़ी क्या चीज है, मेरे पास अगर हेलीकॉप्टर होता ना तो वो भी मैं तुम्हें ले जाने देता। इस घर का मालिक मैं हूँ, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं देखता हूँ कौन रोकता तुमको। रहने दो डैडी, मम्मी बाद में आपसे झगड़ा करेगी। अरे इसके दिन फिर गए क्या? इसको घर में रहना है कि नहीं रहना है? चलो तुम गाड़ी लेके जाओ। अरे लेके जाओ, देर हो रही तुमको। बाय डैडी। तुम कहाँ जा रही हो? अपना सामान पैक करने। सामान क्यों? जिस घर में औरत की इज्जत ना हो उस घर में क्या रहना। आप बने रहिए मालिक अपने घर के, मैं चली मायके। अरे बाप रे, ये तोप तो उल्टी फूट गई। अब मैं इस घर में अकेला क्या करूंगा? ये चलिए अपने मायके और बेटियां रवाना हो गई यूथ फेस्टिवल। बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम कड़कुंड पिल्ले। मैं ऑल इंडिया इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का इंस्ट्रक्टर हूँ। लेकिन डिसिप्लिन का मैं बहुत क्रैक, कड़क बोलेंगे तो एकदम क्रैक। ओ यस। और ये मैडम है मिस ललिता। इस फेस्टिवल में लड़कों का एक्टिविटीज में नजर होएंगी मेरी और लड़कियों के एक्टिविटीज में नजर होएंगे हमारी। कौन बोल रहा? ये मत बोलो, मैं बहुत कड़क आदमी है। डिसिप्लिन कड़क। कोई भी लड़का लेट आएगा तो मैं उसको पनिशमेंट करेंगे। और कोई भी लड़की लेट आएगी उसको मैं पनिशमेंट दूंगी। यस। जैसा मैं कड़क वैसा मैडम भी एकदम कड़की। तुम मैडम को कड़की बोला? नो सर, आई मीन टू से कड़के का स्त्रीलिंग कड़की होता है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग मेरे को सब मालूम है। मालूम है आपको? यस। अच्छा तो एक बात बताइए, कुत्ते का क्या होता है? कुत्ते। घोड़े का? घोड़े। गधे का? गधे। कड़क का? कड़की। नहीं। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है? समझता क्या है सर, आई एम स्मार्ट। निकालेगा तुम्हारा पूरा स्मार्टनेस निकालेगा। फॉल डाउन करो, फॉल डाउन। फॉल डाउन? सर सर मुझे नहीं आता सर, प्लीज आप करके दिखा दीजिए। ओके, डंडे पकड़ाओ, हम दिखाता हूं। इसको बोलता है फॉल डाउन। ऑल राइट, आई एम सॉरी सर, एक बार और दिखा दीजिए प्लीज। ओके, मालूम नहीं तो पूछने का। देखो अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। ओके, आज के लिए इतना काफी है। दिस मिस एक सठ है, पांच सठ है, अरे सठ है, जल्दी के पैसठ है। अरे वाह, प्रैक्टिस तो बड़े जोरों से चल रही है, लगता है मेडल जीतने का मूड बना के आए। हमारा मेडल तो तुम्हारा दिल है जाने मन, जिसे हमने पहले ही जीत लिया। हम तो आपके चक्कर में इधर आए हैं। हाँ, यूं तो सारी जिंदगी तुम मेरे घर के आसपास चक्कर ही काटते रहोगे। कंपटीशन में नहीं जीते ना तो मुझे भूल जाना और चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ओके, अरे जीतेगा बे, जीतेगा। हमारा यार हर कंपटीशन जीता है तो ये क्यों नहीं जीतेगा?
ये डरता है कंपटीशन से। हाँ हाँ मैं डरता वरता कुछ नहीं हूँ, वो क्या कि मेरे पैर में मोच आ गई, वरना शिखा यू नो मी तो। शट अप आनंद, रहने दो दीदी, ये लोग तो यहाँ आवारा गर्दी करने आए हैं, ये मेडल क्या जीतेंगे? शिखा तुम्हारे खानदान में पहले कोई पागल रह चुका है क्या? नहीं तो। ओ तो ये पहला केस है, सो सैड यार। ए मिस्टर, अरे बड़ी छोकरी लोग, तुम लोग सुबह सुबह अपना मूड काय को खराब करता है नहीं, लो केला खाओ। नो थैंक यू। हाँ जाओ जाओ, बोर मत करो। ए तिरछे टोपी वाले, मैं इधर आया, आ रहा हूँ आ रहा हूँ जी। नीचे क्या है? नीचे तो हरी भरी घास है, हरा भरा घास है, और कुछ नहीं। ए तिरछे टोपी वाले, मैं इधर आया 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 कहीं। नीचे क्या है? हरिओम, नीचे तो धरती माँ है। क्या रे माइथोलॉजिकल फिल्म का डायलॉग बोलता, नीचे और को दिखता नहीं? नहीं तो। ए नंबर थ्री इधर आ। सर तेरे को नीचे कुछ दिखता? क्या सर? ये लोग को बताओ नीचे क्या है। सर नीचे कुछ मक्खियां हैं। मक्खियां? मक्खियां कौन सा गंदा चीज के ऊपर बैठा है? सर मक्खियां आपके गंदे जूतों में बैठी हैं। तुम लोग तीनों यूनियन बनाकर मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। नो सर, नो 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 नो। ये केले का छिलका तुम लोग को दिखता नहीं? केले का छिलका? केले का छिलका? नहीं सर, नो सर। ललिता, मैडम ललिता। ये लोग को मेरे हाथ में केले का छिलका दिखता नहीं। स्टूडेंट्स तुम लोग जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये लोग को कहो भेजा। अरे तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे हाथ में कोई केले वेले का छिलका नहीं है, देखो ये छिलका। मेरा हाथ में। गोविंद और करिश्मा कपूर का पोज मारा है। ए किसने की हरकत है? सर सर इन्हीं तीनों ने है? यही लोग केले खा रहे थे। पनिशमेंट पनिशमेंट। भाई तेरे को छोड़ेगा नहीं, हमारा नाक का सवाल। मैं तेरे को बाद में देख लेंगा, मेरा नाक में मारा, नाक में मारा वो दूसरा किधर है? हेलो सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। बाय। टाइम ही खराब है, ये तीनों को बाद में देख लेंगे भाई। वैसे तो हमारे डैडी को मनाने में सनम भी मेरी मदद करेगी। सनम? शिखा जरा सोच, अगर ये सनम और अमित एक हो जाए तो मेरा अंकल को तुम्हारे डैडी की बेटी मिलेगी बहू के रूप में, और तुम्हारे डैडी का दामाद अमित बन जाएगा। हाउ इज दैट? वेरी गुड। ओके, मगर उन दोनों में तो ईंट और कुत्ते का बैर है। हम उन दोनों को करीब लाने की कोशिश तो कर सकते हैं।
हाँ, मगर कैसे? कैंपस के बाहर। ओहो, ये तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्या देख रही हो? महफिल में बैठकर भी निगाहें दरवाजे पर टिकी हो तो समझो किसी का इंतजार है। ओ, आनंद आने वाला है क्या? हाँ। लो, राजा के साथ बाजा भी आ गया। ओए, आनंद, तूने मुझे बताया नहीं आए। ये नक्चड़ी मेड़की भी यहाँ होगी? अरे कहाँ जा रहा है यार, काजू इतना गुस्सा होता है। आजा बैठते, आजा। Hi girls, how are you? Shikha, sweetheart, how are you? Sanam, तुम तो अमित को जानती हो? बेओ बेओ। हाँ, मैंने इन्हें कहीं डर के भागते हुए देखा है। हाँ, मैंने भी तुम्हें चुगली लगाते हुए सुना है कहीं। बड़ी गवार औरतों जैसा नेचर है तुम्हारा। छे? क्या? तुमने मुझे गवार कहा? तुम जाहिल। ओए, तुम कटी छिपकली, जाहिल किसे कहती है? सनम, तुझे तुम कटी छिपकली कहा? तू जंगली कुत्ता। जंगली बिल्ली? तो हिप्पोपोटमस। वेरी बैड, हिप्पो तो मोटा होता है। शायद इस हिप्पोपोटमस को टीबी हो गई हो। वेरी बैड। माए जो शिकार किया वो शेर के साथ कितना लंबा था? इतना बड़ा शेर था? अरे कम से कम यहाँ से लेकर वहाँ तक। इतना बड़ा था? हाँ, यहाँ से बोले तो कम से कम वहाँ तक। इतना बड़ा? हाँ, बहुत बड़ा शेर था, बहुत बड़ा शेर था। अब क्या करे, क्या करे? पानी बैंड। थैंक गॉड, आप लोग आ गए हैं। मैं तो सोच रहा था कि आपकी फ्लाइट मिस हो गई है और हमें शो कैंसिल करना पड़ेगा। आइए जल्दी कीजिए, शो का टाइम हो गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन? लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? फंस गए। सच में? क्या करें? करते हैं कुछ। आई गॉट इट। मैं बिगड़ी लड़की, मेरे पीछे मत वाले, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले। ए, मैं लड़का पागल, कौन मुझको संभाले, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले। हे जानी जिगर के छल्लो, इतना ना उछल्लो, हो जाए मजा गिर गिरा।
दिल को भाएगा, दिल उसी को दूंगा। मेरी बातें फिजूल, मेरे उल्टे उसूल, नहीं करती कबूल लड़कियां। किसने तुझी नजर से देखा, उसने देखा, उसने देखा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सोनिया। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों पे गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानी जिगर के छल्लो, इतना ना उछल्लो, हो जाए मजा गिर गिरा। तुम भी फंसे हो, हम भी तो फंसे हैं, बच लो किसी भी तरह। ए, अच्छा यही है सिचुएशन, संभाले तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले। मैं बिगड़ी लड़की, मेरे पीछे मत भागने, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले। बात कर रही हूँ, लेकिन चल चलते हैं। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मुझे गलत फहमी हो गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आप जैसे सही इंसान को कितना गलत समझा। एनीवे, यू नो, आपने मुझे बहुत 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 इंप्रेस कर दिया है। मगर वो कैसे? कल रात, आय हाय, लड़की की ड्रेस में आप इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मुझे भी जलन होने लगी। और कुछ कहना है? ना 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 ना, कहना नहीं जनाब, कुछ देना है। ये कंगन मेरी तरफ से, विद माय कॉम्प्लीमेंट्स। इसे कल वाली ड्रेस के साथ पहनना, मैं सिंधिया को भी कॉम्प्लेक्स दे दोगे। मर्द ऐसी चीज पहनते नहीं, पहनाया करते हैं। और मैं भी ये कंगन उस लड़की को पहनाऊंगा जिससे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। और ये वादा है मेरा आपसे। वादा? अमित मेरा से पंगा भारी पड़ेगा। अबे साले अड़ियल टट्टू, क्यों मेरी और शिका की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है तू? अबे मैंने क्या किया है? नहीं किया तो कुछ करना। मैं क्या करूं? अभी इसी वक्त जाकर ये कंगन सनम को पहना दे। ओए, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? साला मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है, छोड़। हे भगवान, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। Hello students, hello students, your attention please. तुम लोग अपनी अपनी practice जारी रखो, because I hate students जो practice नहीं करते। आज मेरी जरूरी meeting है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम practice ना करो। Hello darling. माइक तो ऑफ करने दिया कर मेरे चिकने। आजा। நடுக்கும் நடுக்கட்டுமே போல்.
मैं बोल रहे थे कभी कभी मेरे साथ भी मीटिंग रखने क्या? ओए माँ, तुमको क्या हो गया? बाथरूम में गिरने से पैर में सूजन आ गई है। यो, पैर ऐसा मत रखने का, एक मिनट है। दर्द हो रहा है। पैर थोड़ा ऐसा रखने का, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। शाबाश, ऐसे कैसे उठाते हो? सब ठीक हो जाएगा। यो, दर्द हो रहा है। मेरे को मसाज करने से टांग बराबर रखो, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। टांग का पुलिस ठीक रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। और तो टांग थोड़ा इधर कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा ऊपर। अभी देखो, गेट लॉस्ट। अभी कैसा लगा? कम हो रहा है। दर्द नहीं ना? मेरा बात सुनने के अच्छा लगा ना? थोड़ा 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 लाओ। अभी कैसे लगा? तेरी इन्हीं बातों की तो मैं फैन हूँ, मेरे चिकने। अयो, तुम चिकने चिकने बोलेंगे तो ये तेरा सामने टिकना मुश्किल हो जाता है। तू है भी तो चिकना। अम्मो, मेरे को चिकने चिकने बोलेंगे तो ये कड़क कुंड पिल्ले नरम कुंड पिल्ले हो जाते ना। चिकने। चिकने, चेहरा तो देखा लिया। अरे क्या भाभी, मैं जब फोन करता हूँ आप बोलती हैं मैं बोल रही हूँ। कभी अपनी दीदी को फोन दिया कीजिए, मैं उसे बात करने को तरस गया हूँ भाई। हाँ जीजा जी, मैं आपके दर्द को समझती हूँ। दीदी प्लीज फोन लो ना। सच कह रही हूँ जीजा जी, मुझे आप पर दया भी आ रही है। आपको मुझ पे दया उस वक्त तक आएगी जब तक मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, और जब मैं गिड़गिड़ाना बंद करके अपनी असलियत पे आ जाऊंगा ना, तो आपको मुझ पे नहीं अपनी दीदी पे दया आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है रस्सी जल गई है पर बल अभी तक बाकी है। नहीं नहीं सुमित्रा, नहीं नहीं नहीं, आप पहले अपनी असलियत पर उतरिए ही, फिर मैं देखती हूँ कि आप क्या करते हैं। सुमित्रा, मेरे सुमित्रा, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा? बहुत बड़े कार्टून दिखते हैं तो फिर इनकी कार्टून फिल्म बना ही डालते हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ए तू अकेला क्यों आया? हाँ तेरा हीरो किधर है? सर वो जरा शूटिंग में बिजी है। हाँ? लगता है उसे भी शूट करना पड़ेगा। हाँ सर, मुझे प्लीज 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं सब कुछ समझा देता हूँ आपको। ठीक है ठीक है, कुर्सी खींच के बैठ जा। जी यू इडियट, तुम में मैनर्स नाम की कोई चीज है कि नहीं? नहीं है, बोल क्या कर लेगी? हाँ, अगर बैठना ही है तो इधर बैठ। जाने दो सनम, शक्ल से ही मवाली लगते हैं, इनके मुंह मत लग।
पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। थैंक यू सर। अव्वल तो लड़कियों को घर से चूल्हा चौका छोड़कर अपनी चौखट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और गलती से निकल भी गई हैं तो उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है वो जंगल से भी बदतर है। अभी तो सिर्फ कुर्सी खींची है, थोड़ी देर यहां रुकी ना तो आंचल भी खींच लेंगे। ओ, तब तक तुम सामने बैठे गुंडों की धुलाई आराम से कर सकते हो ना। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो तुम क्या चाहते हो? वो यानी कि मैं गुंडों से पीछा छुड़ाने के लिए एक मवाली का मुंह लगाऊं? हाँ, करने में तेरा क्या चाहता है, वैसे भी इन लोगों की पूरी फौज है, इसको तो मसल कर रख देंगे। हाँ कर दे, तुझे अपनी खुन्नस निकालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। गुड आइडिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ तो भाई लोग, मुझे गोद में बिठाओगे? हाँ। मेरे ग, 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 गले लगोगे? ए, मेरी न, 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 नकल करता है? हाँ? मैं नकल नहीं, मैं अकल ठिकाने लगाने आया हूँ। हम तुझे ठिकाने लो यहां से। तो तुमने किस देने जैसी बेहुदा शर्त लगाई क्यों थी? वो तो मुझे इस टीना की बच्ची ने फंसा दिया था। अब मुझे क्या पता था कि वो अकेले ही उन सब गुंडों की पिटाई कर देगा। क्या बात कर रही है। लेकिन सनम, तुम्हें किस तो देनी ही पड़ेगी, वो भी हम सबके सामने। शट अप। मेरी किस मेरे पहले प्यार की अमानत है, और वो मैं उस जंगली जानवर को दूंगी। आप नहीं छोड़ेगा, किस करेगा ही करेगा। और क्यों नहीं करेगा, आखिर वो शर्त जीता है। तुम्हें किस ना करके सबके सामने जलील नहीं किया, और ऊपर से तुम उसे ही गाली दे रही हो। वैसे तो मान गए उसे, क्योंकि इतने प्यारे होठों से मिलने वाले किसको तो कोई हीरो ही ठुकरा सकता है। हीरो और वो, अगर तुझे ये नहीं पता कि हीरो किसे कहते हैं, तो कल चलना मेरे साथ। सनम, कैसा लगा तुम्हें ये ड्रेस? सुपर। वेलकम, स्पेशली बनवाया था इसे। हीरो है ना, नखरे सहने पड़ेंगे। चल मैं खुद चलता हूँ। चलिए सर, माय प्लेजर। नलिन जी। कौन है बे? ओ भाई साहब, आप आइए आइए। हेलो सनम, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। भाई कैसी चल रही है आपकी यूथ फेस्टिवल की तैयारी? जी बहुत अच्छी। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई साहब बोलिए, शॉट क्या है? हाँ, शॉट क्या है यार? लीजिए सर। नलिन जी, ये शॉट जो है जरा डिफिकल्ट है, घोड़ों के स्टंट्स वगैरह हैं। आप कहें तो कुछ शॉट्स आपके डुप्लीकेट साथ ले लें। हाँ, नो नीड, ऐसे मुश्किल शॉट्स मैं बहुत बार कर चुका हूँ। चलिए आप।
हाँ चलिए चलिए। बताइए कौन सा मुश्किल शॉट है आपके लिए? हाँ तो गर्ल्स, अब समझ में आया कि हीरो किसको कहते हैं? एक्शन। Oh shit! कौन लाए घटिया घोड़ा? दाढ़ी थर्ड क्लास हॉर्स? अरे अरे नलिन जी घबराइए मत, अपन घोड़ा चेंज कर देते ना। नहीं नहीं, अब मैं इसी घोड़े को ठीक करूंगा। माफ कीजिए नलिन साहब, अपनी गलती सजा इस बेजुबान जानवर को क्यों दे रहे हैं? अरे जानवर तो बेअक्ल है, उसे संभालने की अक्ल कम से कम इंसान में तो होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है मिस्टर अमित, खुद करके बताओ तो पता चले। सर, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। क्या कर रहे हो? प्लीज पता नहीं क्या समझता है आपने आपको, इडियट। इसको तो अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट लोग के अंदर एक बहुत बड़ा हीरो है। इस टूर्नामेंट के अंदर कोई एक गेम में हिस्सा लेता है, कोई दो गेम में हिस्सा लेता है, लेकिन हमारा ये जो हीरो है वो एक नहीं, दो नहीं, चार गेम में हिस्सा ले रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। कहीं तूने तो चार चार गेम में हिस्सा नहीं लिया है? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो हीरो है अमित मेहरा। भागने का इरादा हो तो मुंबई के लिए यहाँ से ना तो कोई प्लेन जाता है ना ही कोई ट्रेन। हाँ, लास्ट बस यहाँ से 8:30 बजे जाती है। ऑल द बेस्ट। हाँ देखा ना, बना दिया ना हीरो से जीरो। आज तो ऐसा फंसा कि सीधा मुंबई की बस पकड़ ली होगी। थैंक यू नलिन। यू आर वेलकम। थैंक्स सो मच। ये निकलो बाहर। तुम लोग और यहाँ सेक्रेटरी को भेजता है? खुद नहीं आ सकता है? बहुत बड़ा आदमी हो गया। प्रेम जी जरा इंपॉर्टेंट काम था, मैं बॉस को कल ही आकर मिल लूंगा। कुछ नहीं, बॉस ने तुम्हें अभी बुलाया है। नलिन, नलिन ये तो गुंडे हैं, एक नंबर के बदमाश। लेकिन तुम्हारा इनसे क्या वास्ता? ये तो वही लड़की जिसने मरवाया था, पिटवाया था। हाँ, ले 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 चलो। खबरदार जो किसी ने लड़की को हाथ लगाया तो एक पकड़ लो। इधर नहीं, इडियट, उधर। भग भगो मुस्तंडो, पकड़ो। मुझे छोड़ दो।
छोड़ दे, छोड़ दे। हम छोड़ छोड़ने वालों में से नहीं है, नहीं है। भैया आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये किसी फिल्म का सीन नहीं था। समझ में आया? नहीं आया, आएगा भी नहीं। इस देसी मुर्गे से तो बाद में निपटेंगे, बाद में निपटेंगे। पहले इस परदेसी से निपट ले। हाँ चैंग बोलो। ठिकान बहुत वादे कर चुके हो तुम, या तो हमारे बॉस का डायमंड वापस कर दो, या फिर उसके बदले में ये मूर्ति हमें दे दो, वरना वरना अब से ठीक एक मिनट बाद ये बम मेरा साथ तुम्हारा सारा एम्पायर को उड़ा देगा। ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। मानो बम, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। लेकिन त्रिकाल अपने हाथ आया हुआ माल कभी वापस नहीं करता, नहीं करता। त्रिकाल अब ओनली 30 सेकंड बाकी है। तू त्रिकाल को डराता है, जिसके नाम से मौत डरती है। तू जानता नहीं कि त्रिकाल की डिक्शनरी में डर नाम का अक्षर ही नहीं है, समझे? अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। नहीं समझे? तो समझ लो। वेरी सैड, वेरी सैड। क्यों हीरो? त्रिकाल दुनिया को लूटने के चक्कर में है और तू त्रिकाल को लूटने के चक्कर में है, वो भी 50 लाख। कह रहा था कि शूटिंग के साथ साथ स्मगलिंग भी करेगा। हाँ त्रिकाल साहब, मैंने 1 करोड़पति की बेटी को अपने जाल में फंसाया। जैसे ही उस सोने की चिड़िया के साथ मेरी शादी होती है, मैं आपकी पाई पाई सूद समेत लौटा दूंगा। पाई पाई। उस करोड़पति चिड़िया के बाप का नाम बताओ। वो इंडस्ट्रियलिस्ट ओब्रॉय की बेटी है। ओब्रॉय? वो बैंगलोर वाला? जी वही वही। टुल्लू के पट्टो, न खुद खेलते हो न किसी और को खेलने देते हो, हैं? हीरो, यू कैरी ऑन। त्रिकाल वेरी हैप्पी,
वेरी हैप्पी। तुम्हारा हिम्मत कैसा हो गया अमित के नाम पर गलत फॉर्म भरने के? तुम्हें मालूम है कि एक गेम खेलने से कितनी जान जोखिम में डाली जाती है, और तुमने उस बेचारे के नाम पर चार चार गेम्स भर दिए। शेम ऑन यू। मैं चाहे तो तुमको इसी वक्त अभी यूथ फेस्टिवल से एक्सपेल कर देगा, और मैं चाहे तो तुमको कॉलेज के प्रिंसिपल से बोल के उधर से भी एक्सपेल कर देगा, मालूम? नो सर। सर आपने मुझे बुलाया? ये लड़की ने कन्फेस किया है कि यही आपका फॉर्म के ऊपर चार चार गेम भरा है। सर एक्चुअली ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरी हर एक्टिविटी हर काम में भी से चिढ़ती है ये। अच्छा? यस मैम, ये नहीं चाहती कि मैं चारों गेम खेलूं और जीतूं। जलती है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक्चुअली सर अपने फॉर्म पे चारों गेम के लिए मैंने खुद ही टिक मार्क किए हैं। सर आपने तो मेरे सिग्नेचर देखे ना फॉर्म पे। यस यस यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, विच ऑल द बेस्ट। आयो रब्बा किसे पता था ऐसी घड़ी भी आएगी। आयो रब्बा किसे पता था ऐसी घड़ी भी आएगी। आयो रब्बा किसे पता था ऐसी घड़ी भी आएगी। सोचा ना था दिल लगी दिल की लगी बन जाएगी। सोचा ना था दिल लगी दिल की लगी बन जाएगी। तड़पे ये प्यार का है दस्तूर अनोखा। दुश्मन को दिल दे बैठे हम खा गए धोखा। दिल तड़पे ये प्यार का है दस्तूर अनोखा। आए दुश्मन को दिल दे बैठे हम खा गए धोखा। नींद नहीं आंखों में सनम, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? ए सनम, टेनिस कंपटीशन अभी शुरू होने वाला है, चेंज तो कर ले। नहीं दीदी, मैं किसी भी गेम में हिस्सा नहीं ले रही। अरे इसे क्या हो गया? लगता है ये तो गई काम से।
एंड गर्ल्स, आज के हमारे चीफ गेस्ट गोकुल भाई, गोकुल भाई, उनसे हम ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फेस्टिवल का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड वो हीरो चैंपियन ऑफ चैंपियन अमित मेहरा को देने का। Here you are, my boy. Thanks, sir. दोस्तों, अमित मेहरा ने आज 4 अवार्ड जीते हैं, 4। अरे मैं तो कहता हूं अगर ये मेरी फिल्म का हीरो होता ना तो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड सारे इसकी जेब में होते, लेकिन माल सारा मेरी जेब में होता। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्योर श्योर, गो अहेड। थैंक यू। दोस्तों, मैं यहां इतने सारे इनाम जीतने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था। ये जुनून मुझमें यहां पे किसी ने पैदा किया। पहले ये जुनून की वजह नफरत थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है वो नफरत नहीं, मोहब्बत थी। और अगर उसे भी वही एहसास हो रहा है तो मैं चाहता हूं वो यहां आए और आकर अपने प्यार का इजहार करें। सॉरी दोस्त, मुझे लगता है तुम्हारा प्यार सरे महफिल आने से डरता है, वो नहीं आएगी। मैं आ रही हूं।
प्यार जो करते हैं दुनिया से कब डरते हैं, जमी आसमां तक उनके सजदे करते हैं। प्यार जो करते हैं दुनिया से कब डरते हैं, हाय जमी आसमां तक उनके सजदे करते हैं। प्यार कर तुबा सबसे ऊंचा, इसका मतलब ये हुआ कि बाप ने साइन किया बड़ी बहन फरा को और बेटा शूटिंग कर रहा है छोटी बहन तब्बू के साथ। फंसेंगे ये दोनों तिरछी टोपी वाले, बुरी तरह फंसेंगे क्योंकि दोनों के बाप खड़ूस हैं। छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़। अरे मगर बैठा कहाँ है या ओबराय का बच्चा, क्या इधर उधर कर रहे हो? आजा मेरा ओबराय, ओबराय मेरे दोस्त। अबे चुप, मेरे दोस्त एयरपोर्ट क्यों नहीं आया? मैं एयरपोर्ट आ रहा था लेकिन इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। भाभी घर छोड़कर चलेगी और तूने ने रोका तक नहीं, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती है लेकिन मैंने कहा ना चुप कर। दो दो जवान बेटियां शादी के लायक हो गई और तुम मियां बीवी टीनेजर्स की तरह झगड़ा किए बैठे हो। अरे मेरी भी तो चुप कर। क्या क्या सोच कर आया था कि तुम दोनों की शादी की सिल्वर जुबली ऐसे मनाएंगे वैसे मनाएंगे, मगर तूने मगर मैंने क्या किया है? मैंने तो ये काना चुप कर, चुप कर। अरे क्यों चुप कर, क्यों चुप कर? इधर ये देख कितने कार्ड छपाए मैंने, सब गए भाड़ में। कितने फोन किए तेरे भाभी को, बिल भरते भरते मेरी हालत खराब हो जाएगी। मगर वो आई क्यों नहीं? तो जाके उससे पूछना, या तो फिर उससे पूछ जिसके घर में डेरा जमाया उसने। देखो जिया जी, इस मियां बीवी के झगड़े में मुझे तो घसीटो मत, और जहां तक सवाल है उसके वहां रहने का, तो सुमित्रा मेरी इकलौती बहन है, जब तक उसका जी चाहेगा वो वहां रहेगी। तो हमेशा के लिए रख लो ना, यहाँ कौन मरा जा रहा उसके बगैर। अरे मगर जिया जी, आप कहां चले? वो गाज का क्या करूं? फाड़ डालो, फूंक डालो मेरी बला से। कमाल है भाई साहब, आप ही बताइए इन कार्ड्स का क्या करना है? इन कार्ड्स को आप बेधड़क बांट दो, क्योंकि इन दोनों की एनिवर्सरी तो मनेगी मनेगी, वो भी बड़ी धूम से। प्रसिद्ध उद्योगपति विकास ओबेरॉय का दूसरी शादी करने का निर्णय? व्हाट? आपसे मैंने कहा ना बॉस नहीं है। अरे कुहारी हो, बीमारी हो, नक्चड़ी हो, मुझे क्या करना? सुबह शाम मेरा जीना मुश्किल कर दिया तुम लोगों ने। क्या यार, आपका केबिन वहाँ है सर। हेलो, अरे अरे नहीं बाबा, सब रॉन्ग है। एक क्या यार, क्या कर रहे तुम लोग? लोगों मुझे नहीं करना शादी, समझते कि तुम लोग? अरे हेलो, यहाँ कोई ओबेरॉय नहीं है, वो पागल हो गया, उसने एक लीटर जहर पी के पेट में चाकू मार के छह माले से कूद के मर गया। शट अप यू इडियट। मैंने कहा था उसे बॉस बिजी है। चुप। सर, सर, मैं तरुणी मैरिज ब्यूरो से आई हूँ सर। जो आपने दूसरी शादी करने का फैसला किया है वो बेहतरीन फैसला है सर। हमारे पास सर A1 क्वालिटी की तलाकशुदा औरतें और फ्रेश क्वालिटी की गवारियां है सर। प्लीज, इस एल्बम में आपको सब लड़के मिल जाएंगे जिसके साथ आप शादी कर सकते हैं सर। अच्छा हुआ सर, आपने उस कलमुही को भगा दिया। हाँ गई। मैंने भी सबको भगा दिया। हाँ, कितनी अच्छी हो तुम। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। So sweet of you. सर, मुझे मालूम है मैं ही आपकी पसंद हूँ। मैं अभी अपने हस्बैंड को फोन करके ना तलाक के लिए बोलती हूँ। चालू हो गई है यार। सर सुनिए सर, सर प्लीज सर, सर मैं, सर मैं, भगवान ये क्या हो गया? गजब हो गया, जवान बेटियों के बाप को इस उम्र में ये क्या सूझी? पर ये तो वो कहावत हुई कि बंदर बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना ना भूले। लेकिन अब मेरा क्या होगा?
तलाक। क्या? बिल्कुल सही ननन जी, भाई एक म्यान में दो तलवारें थोड़ी रह सकती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मर्द की जात पर हमेशा लगाम कस कर रखनी चाहिए, जरा ढीली छोड़ दो तो आवारा बैल हो जाते हैं। तो ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई मुझे? पहले कहती तो आप सोचती कि भाभी को ननन बोझ लगती है, पर अभी आप फिकर मत कीजिए, आप सारी जिंदगी हमारे यहाँ रह सकती हैं, हम आपको सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। नहीं, और इसका बसा बसा है संसार उजड़ जाएगा, उसका क्या होगा? अब तुम ही बताओ ना भैया, मैं क्या करूँ? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सुमी, चल अपना सामान पैक कर, देखता हूँ मेरे होते हुए वो दूसरी शादी कैसे करते हैं। हाँ चलो भैया। तुमको हंसी आ रही है? और मुझे लग रहा है बेंगलोर की सारी लड़कियां मेरी इज्जत लूटने पे तुली हुई हैं। ये मैरिज ब्यूरो वाले, अखबार वाले, टेलीविजन वाले ना धोके मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दो और लेकर आ। वो गाय के लिए अब और कोई आ रहा है क्या? आ रहा नहीं, आ चुके हैं। कौन? देखो स्वामी। सुमित्रा क्या बात है, पति को उंगली के इशारों में नचाने वाली, आज पति के पैर पकड़ रही है, खैरियत? क्या बात है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, लेकिन आप दूसरी शादी मत कीजिए। शांत हो जाओ, मैं दूसरी शादी कहाँ कर रहा हूँ यार, तुम खाम खा। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तुम बैठो तो सही। तुम्हारी कसम, दूसरे किसी से शादी करने का ख्याल मेरे मन में कभी आ ही नहीं सकता। मैं तो खुद परेशान हूँ कि किस उल्लू के पट्टे ने ये खबर छापी है। हमने छपवाई थी। तूने? तुम दोनों को मिलवाने का एक पैतरा था। ले। तो क्या भैया तुम भी शामिल हो इसमें? और मुझ पर क्या बीत रही है मैं ही जानती हूँ। अरे बीत तो मुझ पे रही है, तुम्हारे पैतरे से मेरी बारात तो निकली नहीं, उल्टा बैंड जरूर बच गया। अरे भाई साहब ये सब करने की क्या जरूरत थी, आप आए हैं ये पता चलता तो मैं खुद चली आती। अच्छा छोड़ो, गई गुजरी भूल जाओ, ये बताओ बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया? पसंद? बहुत पसंद किया। पर वो कब आ रहे हैं? फेस्टिवल खत्म हो गया है, कल आ रहे? फेस्टिवल खत्म हो गया है ना, तो अभी तक वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार बच्चे हैं, घूम रहे हैं, आ जाएंगे। दिल के गेट की नेम प्लेट पे, दिल के गेट की नेम प्लेट पे लिखा है तेरा नाम, दिल के गेट की नेम प्लेट पे लिखा है तेरा नाम। अरे ठक ठक ठुक ठुक ठक ठक ठुक ठुक होती है सुबह शाम, बुबा बुबा तू महबूबा, बुबा बुबा तू महबूबा, बुबा बुबा तू महबूबा, बुबा बुबा तू महबूबा। दिल के गेट की नेम प्लेट पे लिखा है तेरा नाम, ठक ठक ठुक ठुक ठक ठक ठुक ठुक होती है सुबह शाम, बुबा बुबा मैं महबूबा, बुबा बुबा मैं महबूबा, बुबा बुबा मैं महबूबा, बुबा बुबा मैं महबूबा। जाने कैसे मिल गई नजरें, कैसे हो गया प्यार, मुझको भी ये खबर नहीं दी कैसे गई मैं हार, ना जाने तुमने कैसे सुन ली मेरे दिल की बात, मेरे लिए तो प्यार मोहब्बत, मेरे लिए तो प्यार मोहब्बत हो गया पहला काम। अरे आधी रात को
को दिल मचले तो किसको दो पैगाम बाबूबा मैं महबूबा ओ बाबूबा मैं महबूबा ओ बाबूबा मैं महबूबा ओ बाबूबा मैं महबूबा तुझको चुनके मैंने की नहीं कोई भूल जाने ये एहसास है कैसा जाने कैसी प्यास प्यास भड़कती है ये और भी पाकर तुझको पा कर न सकेगा कोई भी जुदा कर न सकेगा कोई भी जुदा हमको उम्र तमाम हमने जिंदगी कर दी यारा एक दूजे के नाम बुबा बुबा मैं दिल के गेट की नेम प्लेट पे लिखा है तेरा नाम दिल के गेट की नेम प्लेट पे लिखा है तेरा नाम अरे ठक 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 होती है सुबह शाम बुबा बुबा मैं महबूबा 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 बुबा बुबा शादी के लिए कुंडलियों का योग एकदम से मिलता है जजमान लेकिन क्या लगन का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद का ही बनता है हाँ। अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं हुई ना तो कुंडलियों के अनुसार 1 साल तक शादी नहीं हो सकती 3 दिन बाद वाह क्या मुहूर्त निकाला पंडित जी क्या भाई साहब 3 दिन सिर्फ 3 दिन हम लड़के वालों को कुछ तो वक्त चाहिए यार तैयारी के लिए वक्त तो चाहिए ना हाँ। तैयारी क्या करनी लड़के वालों की तरफ से मैं और लड़की वालों की तरफ से तुम दो प्रॉब्लम क्या है यार अबे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार घर पहुंचते ही मैं डैडी को बोल दूंगा किसाना मुझसे प्यार करती है और शिकायत उससे वेरी गुड तुम अपने डैडी को समझा देना और मैं इनके डैडी को पूरी तरह इम्प्रेस कर दूंगा लेकिन सनम तुम्हें भी तो अमित के डैडी को इम्प्रेस करना पड़ेगा अरे पहली ही मीटिंग में तुम देखना दीदी पहली मीटिंग में अगर वो चक्कर खा के ना गिर पड़े तो कहना पक्की बात पक्की भाई साहब एकदम पक्की अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा लेकिन सुमित्रा दादा बोबराय जब मैंने और भाभी ने फैसला कर लिया है तो तू कौन होता बीच में बोलने वाला ठीक है भाई जब देवर और भाभी राजी तो मैं क्यों बनूं बीच में काजी एग्जैक्टली ये हुई ना बात अब देखो तुम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी पर हम बच्चों को उनकी शादी का सरप्राइज दे देंगे आए हुए सारे मेहमानों को शादी के लिए इन्वाइट कर लेंगे अब आने दो उल्लू के पट्टे को जल्दी 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 हाय होता तू हाँ बॉम्बे से कब आया कल रात ही जी ले पकड़ डैडी कहाँ है ऊपर बेडरूम में जी डैड मर गया डैड अरे रिमोट काम नहीं कर रहा रिमोट को क्या हाय डैड बच गया साला डैड जो बोला था ना करके दिखा दिया अरे वाह तेरा बॉक्सिंग का और साथ साथ कराटे स्विमिंग वगैरह 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 सब पे फोड़ के आ रहा हूँ तुम्हारी कसम तुम्हारा नाम रोशन करके आया तुम्हारा बिगड़ा बालक हमें तुमसे इसी बात की उम्मीद थी बरखुरदार अब इस खुशी के मौके पर हम तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते हैं कमाल है डैड सरप्राइज तो मैं भी देना चाहता हूँ आपको अच्छा तो क्या डालो भाई नहीं 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 पहले आप अरे बोर मत करो क्या डालो वो क्या है ना डैड कैंप में ना हाँ कैंप में बहुत मजा है लड़कियां भी कह रही थी
नमस्ते अंकल। इधर हो बेटा। तू बैठा क्या, चलो तैयार हो यार। तैयार क्या, कुछ बात बता रहा था बेटा। बताना, मैं फ्रेश हो गया हूँ, बाद में बताऊंगा। अरे बताना, बताना जरूर बाद में। बताऊंगा बताऊंगा। अच्छा बेटा तू चल ना, मैं तुझे जलवे दिखा के लाता हूँ। जलवे मैं तुझे दिखाता हूँ। क्या ये दे क्या? अरे तू ठीक ठीक बंद कर। तू अरे देख ना यार। अच्छा 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 बंद कर दूँ क्या? क्या यार? अच्छा अरे चल डैड। अरे एंजॉय योरसेल्फ। क्या मरवा दिया ना यार? क्या पकड़े गए भी? रहने दे, छोड़ चले दे। ओ सनम माय डार्लिंग माय लव, ना जाने कब तुम अपने बाबुल के आंगन से निकलकर हमारे आंगन की तरफ दौड़ी चली आओगी। ना जाने कब वो सुहानी घड़ी आएगी जब तुम्हारा और मेरे डैडी का आमना सामना होगा। अब देखना यह है कि तुम मेरे डैडी को किस तरह इंप्रेस करती हो कि वो तुम्हारे डैडी से शिखा की बजाय तुम्हारा हाथ मांग ले। कोई है राजकुमारी ढूंढ रही है सपने, राजा चुप जा बगियन में। हो सकता है तुम मेरे डैडी को पहली बार इंप्रेस ना भी कर सको, पर घबराना मत, फिर ट्राई करो। बिकॉज ट्राई ट्राई अगेन इज द बेस्ट पॉलिसी। एक तो मारती है, कीचड़ में फेंकती है, ऊपर से हंसती है, बेशरम बदतमीज। मारो एक। तू मुझे थप्पड़ मारेगा? मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। यू माली, ये ले। तो तूने मुझे मारा, मुझे कीचड़ में धकेला और मेरे मुंह पर पानी फेंका। भूतान मेरी पिस्तौल, कहां मर गया उल्लू का पट्टा? ये मैरा की आवाज नहीं, उन्हीं की लगती है। कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे मैरा माली, अरे आई बेटी, अरे रुक, अरे रुक, क्या कर रहे हो भाई? मेरी बेटी को मारेगा क्या? ये तेरी बेटी है? हाँ। खत्म, सब कुछ खत्म, रिश्तेदारी खत्म, बिजनेस खत्म, दोस्ती खत्म। तेरी इस लड़की ने मुझे मारा, मुझे कीचड़ में धकेला, मुझे माली कहा, मेरे मुंह पे पानी फेंका। अगर ये लड़की मेरे घर की बहू बनी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे भाई साहब सुनिए। क्या सुनो? सुनिए तो, अमित का रिश्ता उससे नहीं इससे तय हुआ है। हाँ, ये लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे लड़के का रिश्ता इसके साथ तय हुआ है, इस अफलातून के साथ नहीं। वाह, क्या इंप्रेस किया मेरे डैडी को, पहली ही मीटिंग में चक्कर खा के गिर पड़े। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारे डैडी हैं। और फिर ये मेरे बचपन की आदत है, इतनी जल्दी कैसे छूट सकती है? नहीं छूट सकती ना, तुम मुझे छोड़ दो। कसम खाओ, कसम खाओ, आज के बाद ये भूल जाओगी कि मेरे डैडी गंजे हैं। अगर हम उन्हें वीक पहना दे तो? शट अप इडियट। गुस्सा क्यों होते हो? अच्छा मैं कसम खाती हूँ, अब क्या करें? मसाला चाय। मसाला चाय? यस यस यस, मसाला चाय मेरे डैडी की बहुत बड़ी कमजोरी है। अच्छा? हाँ, मालूम है जब भी मुझे डैडी को पता ना होता है, एक कप गर्मा गर्म मसाला चाय सामने आ जाती है। पराता है भूतनाथ, पेश करता हूं मैं, समझी? हाँ। लेकिन इस तरह नहीं, तरह साड़ी वाड़ी पहनकर अच्छी भारतीय नारी की तरह एंट्री मारो, काम बन जाएगा। मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। ओए मेरी माँ, कहाँ फंस गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शिखा बांधेगी, शिखा बांधेगी। गुड आइडिया। डैड, टोपी। हाँ, खास तौर से आप ही के लिए लेके आया हूँ। हाँ। और मुझे पूरा यकीन है इस टोपी में आप बहुत हैंडसम लगने वाले हो। तुझे ऐसा लगता है? या पहन के देखता हूँ कैसा लग रहा हूँ। बहुत अच्छे, वेरी हैंडसम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे आने की? अमित, इसे फौरन कहो कि मेरी आंखों के सामने से चली जाए। अंकल,
अंकल मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ। माफी? मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। साथ में मसाला चाय भी लाई हूँ। मसाला चाय लाई हूँ? डैड मसाला चाय? अरे भी खड़ी क्यों? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन जब तक अंकल जी ना कहें मैं कैसे आ सकती हूँ? अरे तुमने मेरे डैडी को इतना जिद्दी और जालिम समझ कर रखा है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती माफ नहीं करेंगे? ये लड़की इतने थोड़े से अरसे में बदल जाएगी ये आजम तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि भारतीय लिबास पहन कर आई है इसलिए इसे एक मौका और दिया जा सकता है। Yes. आओ। थैंक यू। हाँ, अरे ये लड़की इतना आड़ा टेढ़ा क्यों चलती है? जला दिया, जला दिया, फूंक डाला रे, फूंक डाला। I'm sorry अंकल, I'm very sorry. मेरा पाँव फिसल गया। अरे ऐसे कैसे फिसल गया? रास्ते में केले के छिलके पड़े थे, जो पैर फिसल गया। अमित इसे घोंप के, इससे पहले कि ये जलन मेरे खोपड़ी में चली जाए, दफा हो जाए यहाँ से। मैं अरे जल्दी जाओ, जाओ अंकल, जाओ यहाँ से। रिलैक्स डैड, रिलैक्स यार। जला दिया। अब मैं कुत्ते पालूंगा और उनको ट्रेन करूंगा ताकि आइंदा लड़की घर में तो क्या, घर के आंगन में भी नहीं घुसनी चाहिए। रिलैक्स यार प्लीज। किसी भी चीज को इधर से उधर नहीं करेंगे, प्रॉमिस। बिल्कुल खंभे की तरह खड़ा रहूंगा। हाँ। वो बलून को जरा वहां से हटा दे। कौन है? अबे कौन है? ए, कर रहा है। यही क्या करता? अरे आनंद तुम कब आए? तुम इसको जानती हो? हाँ, नहीं, हाँ डैडी, वो हम लोग फेस्टिवल में मिले थे। अमित की तरह इन्होंने भी बहुत सारे मेडल जीते थे। तू यहाँ क्या मेडल बेचने आया? हाँ? नहीं, मैं यहाँ मेडल बेचने नहीं आया हूँ। अमित ने कहा था कि शिका के यहाँ फंक्शन है तो मदद करने आ जाना, तो मैं आ गया। ये हमारा दामाद भी बड़ा चालू है, दोस्तों को नौकरी करने भेज देता और खुद बैंड पार्टी के वक्त पर आएगा। अमित आपका दामाद है? हाँ भाई, बचपन में इन दोनों की शादी पक्की कर दी थी, अब बड़े हो गए तो जिसकी अमानत है उसके हवाले कर दूंगा। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। क्या? ये बचपन में बच्चों की शादी तय कर देना कुछ ज्यादा नहीं है क्या? अब 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 फर्ज करो कि ये, यानी कि आपकी बेटी को अगर किसी और से प्यार हो जाता तो मैं दोनों को गोली मार देता, इसे भी इसके प्रेमी को भी। हम इज्जतदार लोग हैं, गला कटा सकते हैं, नाक नहीं। वाह 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 सर, जैसे सुना था उससे बेहतर पाया आपको। क्या ख्याल है, क्या असूल है आपके। बढ़ाया शेर बन के, अब बन गया भीगी बिल्ली। लल्लू कहीं का। किसे कोस रही हो बेटी? हाँ, किसी को नहीं मम्मी। चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, मेहमान आने लगेंगे थोड़ी देर में। हाँ आपको तैयार नहीं होना? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरा मतलब ये तैयारी नहीं सर, मेरा मतलब ये तैयारी, कपड़ों की तैयारी। आइए मैं आपको सिखाता हूँ तैयार कैसे हुआ जाता है। फॉलो मी। हाँ बोल, क्या है? बोलना क्या है सर, अब तो करना है। देखिए मैं आपको कैसे चकाचक बनाता हूँ। चकाचक? हाँ। अब क्या करें सर, आजकल की औरतें भी मर्दों को ऐसे ही रूप में देखना पसंद करती है। अब आप देखो, आपको देखकर आंटी भी उछल पड़ेगी। अरे उसके उछलने का तो मैंने दूसरा इंतजाम भी किया हुआ है। ओहो, ये लाया हूँ मैं। मगर बेटा एक बात याद रखना, अगर मैं वहाँ जाके मार खाया ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये वाला पहनो ना। ये नहीं, नहीं, ये बहुत डार्क लगेगा और आउट ऑफ फैशन भी लगता है मुझे। अच्छा ये तुम पे बहुत जचेगा, ये बहुत अच्छा आउटफिट है। अच्छा ठीक है, बाजू में रख दो, बाद में डिसाइड कर लूंगी। ये नहीं, नहीं नहीं, ये कलर नहीं जम रहा है।
ये नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये भी बहुत सिंपल लग रहा है। क्या हुआ? मैं हूँ यार। तो ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? मैंने सुना है कि इस स्टाइल पे जो है आजकल की लड़कियां फिदा होती हैं। इस स्टाइल पे? लेकिन तुम्हें लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कौन उल्लू का पट्टा लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है? ये तो हमें जाने मन के लिए। देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। मेरे लिए आए हो? देखो तो क्या लाए हो। समथिंग स्पेशल? ये क्या है? छी, मैं नहीं ये पहनूंगी, मुझे शर्म आती है। नहीं नहीं, पहनो ना प्लीज, पहनो। पहली रात ही सबसे प्यारी, उम्र छिपी है इसमें सारी, घर में उसकी चले हुकूमत जिसने इस दिन बिल्ली मारी। ओए ओए ओए, क्या फॉर्मूला है? पूछे बीबी गर्लफ्रेंड है, कह दो ना जी दी एंड है। शादी से पहले के चक्कर भूल के मत बतलाना, वरना प्यारे बन के रह जाओगे तुम घन चक्कर। क्या जानो हम बताते हैं किस्सा पहली रात का, अपनी हम सुनाते हैं। क्यों अब्बा जी? जिस दिन हमने पढ़ा निकाह, दिल से उस दिन निकली आह। जिस दिन हमने पढ़ा निकाह, दिल से उस दिन निकली आह। हम थे शायर बड़े अजीब, बीवी के जब गए करीब, गजलों के फायर कर बैठे। नंबर वन शायर बन बैठे, हो गई बीबी आग बबूला, पल में शायरी सारी भूला। बोली मुझको रास ना आए तेरे कलम दवात, भार में जाए शायरी और ऐसे जज्बात। पहली रात का प्यार न जाने मैं नहीं करती बात, और अब बीबी मैं के भेजनी हो तो काम शायरी आए। मैं शायरी पढ़ता हूँ वो मैं के चली जाए। अपना तौर तरीका अच्छा, हम
कुछ सीखा अच्छा, अपना तौर तरीका अच्छा, हमने जो कुछ सीखा अच्छा, सूरज एक चंद्रा एक धरती एक हम भी एक, हमने सोचा ये प्यारे क्यों करे शादी क्यों झक मारे, बैठे बिठाए पांव पे अपने काहे को कुल्हाड़ी मारे, अपना तो दिन रात ये है रवैया, अपना तो दिन रात ये है रवैया, भैया चारों तरफ चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, जिस गुलशन में उस गुलशन से भी पूछो, जो घर दुल्हन से खाली हो उस आंगन से भी पूछो, क्या होता है जीवन एहसास ये कैसा होता है, जीवन साथी पास न हो तो जीवन कैसा, उसका जग में सब कुछ होता है, कभी सोच के डर लगता है, कभी सोच के डर लगता है, कभी खुशी भी होती है, लेकिन लगता है कि शादी चीज बुरी नहीं होती है, हम भी खुशी मनाएंगे, हम भी खुशी मनाएंगे, एक दिन दुल्हन घर लाएंगे, शुक्रिया दोस्तों, ये मेरे दोस्त हैं मेरा जी, जो अभी अभी मेरे समधी होने जा रहे हैं, यानी इनका बेटा अमित और मेरी बेटी शिखा, इन दोनों की शादी करने का फैसला किया है हमने, दोस्तों एक खुशखबरी और है, कल मंगनी है और परसों शादी, इसे कहते हैं चट मंगनी पट शादी, और उम्मीद करता हूं कि उस मौके पर आप आएंगे और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देना नहीं भूलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, ये क्या हो गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ग्रामर में इसे कहते हैं कहानी में नया ट्विस्ट, क्यों जाने मन, खुशी के इस मौके को दुगना करने के लिए तुम्हारे डैडी से तुम्हारा भी हाथ मांग लूं? लुक मिस्टर नालिन, मैं तुम्हारी फैन जरूर थी, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगी ये तुमने सोचा कैसे? सोच लो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में ना आया तो किसी और के हाथ में भी जाने नहीं दूंगा, ओ तो तुम्हें मेरा हाथ चाहिए, लो बिस
बिजनेस टाइकून मिस्टर मेहरा और मिस्टर ओबरॉय के बच्चों की शादी की खबर अब तो अखबारों में भी छप गई। देख अमित, अब तो यही रास्ता ही, या तो मैं शिका को लेकर अंडरग्राउंड हो जाऊं, या तो फिर तू सनम को लेकर फरार हो जा, ताकि कल अखबारों में ये छप जाए कि मेहरा और ओबरॉय के बच्चे घर से भाग गए। ना बाबू ना, ऐसी बदनामी होगी तो हमारे डैडी तो जहर ही खा लेंगे। नहीं तो हम लोग जहर खा ले। थोड़ा भी वक्त मिलता ना तो बात को संभाला जा सकता था, लेकिन ये एकदम शादी। जी हाँ शादी। अरे भाई वो शादी वाला सीक्वेंस करना है ना शूट, तो आप समझते क्यों नहीं है भाई? अरे शादी में तो हीरोइन के चेहरे पर घूंघट ढका होगा ना। ओहो देखिए साहब, देखिए पूरी बात सुनिए। देखिए मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, कोई दांतों का डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात करते हैं आप, किसी भी लड़की को बिठा देंगे घूंघट तान के? हाँ कम से कम वो फेरो वाला सीक्वेंस तो हो जाएगा। ऑफ कोर्स। सुना तुम लोग ने? सुना? जरा जरा सी बात में टेंशन लेते हैं, कमाल है। एंजॉय योरसेल्फ्स। ओके। घूंघट में कोई भी लड़की हो तो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। डन। या। लेकिन लेकिन क्या? तू शिखा को अंगूठी पहनेगा? तो क्या करूं, मजबूरी है, उसे नहीं पहनाऊंगा तो किसे पहनाऊंगा? हे क्या मुंह लटका कर बुड़बुड़ कर रहा है, हंसना। अगर पहली बार कर रहा है ना एंगेजमेंट, अगली बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर हंसेगा। अरे क्या देख रहा है, पहनाना बहू को अंगूठी। आ जा, आ बेटा डरो मत, तुम भी आगे आ जाओ। बेटी हाथ आगे बढ़ा। भाई मान गए उस्ताद है। आजी वाह, आजी तेरो, आजी तेरो। हाँ भाई ब्लाइंड मैजिक पैक। आप पांचों की चाल चलिए। पहले बता आप चलिए ना, पांचों की चाल चलिए। अबे फंसाएगा तो नहीं? ना 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 ना। अच्छा ओबरॉय साहब जरा संभाल के खेलिएगा, वरना मेरी अगली शूटिंग शेड्यूल का क्या होगा? तेरी शूटिंग कैंसल, तेरा फाइनेंसर हारने वाला है। लो जी ये 500 मेरे आए। हम 1000 आए अंकल, खेलिए ना 1000। अरे नोट किसी पेड़ पे नहीं उगते, तू पहले पता दे ना। दिखाऊं? दिखा। अरे जियो मेरे ताश के तिरपन में पत्ते, क्या पता निकाला हमारे भी? 1000 रुपए की चाल। तू शो कर यार, ये ले एक मिनट, ये शो। शो हिल जाएगा ये इक्का। वाह एक और बादशाह, एक और इक्का। तीन बादशाह, तू जीत गया भाई। ट्रेल बादशाह की अंकल जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। ड्रिंक नहीं? नहीं बस गया, बस गया, लगता है बहुत चढ़ गई मुझे। क्या क्या दिख रहा है मुझे? ओहो मस्ती करो ना, 2 घंटे से दीदी के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, मेरी बारी कब आएगी? सब्र कर सनम, पहले शिखा के हाथों में तो मेहंदी लग जाने दो, बाद में लगा लेना। आ बेटी तू मेरे पास आ, मैं लगा देती हूँ तुझे मेहंदी। आंटी आप? हाँ
एक बात है, मैंने आज तक जिसको भी मेहंदी लगाई है उसकी शादी यूँ हो जाती है फटाफट। जल्दी अरे भगवान इस खूबसूरती को बुरी नजर से बचाए। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से लाल परी उतरकर जमीन पर आ गई हो। अरे मामी, इसकी खूबसूरती हम पर कयामत ढा रही है, तो बेचारे दूल्हे की क्या हालत होगी। दूल्हा? अरे दूल्हा तो एकदम पागल हो जाएगा अपनी इस दुल्हन की खूबसूरती को देखकर। लेकिन मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो। तू घबरा मत, मैं सब ठीक कर दूंगी। ठीक क्या खाक करेगी, तुझसे मेरी साड़ी तो बांधी नहीं जाती। अरे साड़ी का क्या है, साड़ी तो दोबारा बांधी जा सकती है। लेकिन बांधेगी कब, जब बारात सर पे आ जाएगी तब। अरे वाह, बारात आ गई, चलो लड़कियों दूल्हे को देखते हैं, चलो चलो चलो। तू चुपचाप क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? यही कि अगर अदला बदली ठीक से नहीं हुई तो क्या होगा। अदला बदली? हाँ। देखिए ना, बेटे का दामाद बनकर घर में जाना और बेटी का बहू बनकर घर में आना अदला बदली होती है ना। हा? अच्छा अच्छा, अदला बदली। तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू 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 नाच ना। नाचू? मैं शिखा को लेकर आती हूँ। जो करना है जल्दी कर, क्योंकि पंडित का कोई भरोसा नहीं है। कब आवाज लगा दे? कन्या को बुलाओ, कन्या को बुलाओ। कन्या को बुलाओ। हाँ। हम बुला के लाते हैं। तुम यही ठहरो, हम लेके आते हैं। हाँ। चलो लड़कियों। शिखा तू तैयार है ना? हाँ मैं कब से तैयार हूँ, मगर मगर वो सनम। हाँ वो भी बिल्कुल तैयार है, तू जल्दी आ जा। हाँ सनम। हाँ? जल्दी कर, शिखा आ रही है। अपनी शादी में मैंने भी इतना ही टाइम लगाया था। जल्दी कर शिखा। सनम सनम। अरे हाँ सनम। अरे ओ शिखा, तू तैयार हो गई? वाह, चल जल्दी कर, पंडित जी बुला रहे हैं। मगर मामी जी, सनम तो रेडी नहीं है। अब सनम का क्या काम है वहां पर? फेरों पर तुझे बैठना है, उसे नहीं। अरे पागल, चल घूंघटा। चलो 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 चलो। अरे वाह। घूंघट की आड़ में दिल भर का दीदार अधूरा लगता है, जब तक ना मिले। मामला गड़बड़ लगता है। प्लीज कुछ करो। क्या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमस्ते। बैठो बेटी, ध्यान ग्रहण करो बेटी। बैठो बेटी, बैठो। शाबाश शाबाश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रवाह, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्य। विष्णु कन्या के हाथ में दे दीजिए चावल। हाथ आगे करो बेटी, वो शिखा है ना, शिखा। शिखा? क्या बकवास कर रहे हो? तो शिखा को वहां नहीं बैठना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कन्या को वर की बाई तरफ बैठना चाहिए, है ना पंडित जी? शिखा हमको आपसे सीखना पड़ेगा। जानते हो 50 बरस में 999 शादियां कराई हैं हमने। बात करते हो, कन्या बाई तरफ बैठेगी। चल हाथ में लीजिए। जैकी जी आ गए। ओबरे साहब,
ओबरॉय साहब जैकी जी आ गए। अरे जैकी श्रॉफ फिल्म सर, मैं बुलाऊं और ना है? चलिए चलिए उन्हें वेलकम करते आइए आइए भाभी जी। जैकी श्रॉफ तनी हमाओं से मिलने, हमारे जजमान है वो। अरे जैकी जी आइए आइए आइए। जैकी जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड लक। यस मिस्टर ओबरॉय, मिसेस ओबरॉय लड़की के माता पिता, और ये है मिस्टर मेहरा लड़के के पिताजी। ओम जय जय की। अरे क्या करें पंडित जी, देखो पंडित जी मैं कोई देव देवता नहीं हूँ, आप एक तरह एक आम इंसान हूँ, प्लीज ये सब मत कीजिए आप प्लीज। अमित क्या एक प्रॉब्लम है? अब क्या हुआ पंडित गंजा? शट अप गुंगड़ी चकर। अबे तू क्या देख रहा है, पंडित को ले गया? हाँ आपने पहचाना नहीं, आपका शादी भी हम ही कराए थे जी। भूल गए होंगे, बहुत व्यस्त रहते हैं ना काम में आप। लेकिन आप कहाँ व्यस्त हो गए पंडित जी। हेलो सर, फेरे नहीं करवाने क्या? चलिए। लेकिन कन्या दाई ओर ही बैठेगी, आप जहाँ कहेंगे वही बैठेगी। चलिए तो चलो आपस में। पंडित जी अभी टोपी जरा अपने सर पे पहन लीजिए। टोपी क्यों? मैं आपकी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। सुरक्षा? सुरक्षा का प्रश्न तो पहना दीजिए भाई। अच्छा जैकी साहब क्या कमाल की एंट्री मारी आपने, यानी क्या क्या टाइमिंग है आपकी, मानता हूँ सुलेमान। सारा खेल ही टाइमिंग का ब्लू। करेक्ट करेक्ट वेरी करेक्ट सर। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरिः ओम विष्णु 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 तेरे संपन्न हुए। रिश्तेदार बनी गया। कुकुल जी। जी। देर हो रही है, दुल्हन का चेहरा देखें। हाँ, नहीं नहीं आपको जाना है ना, देर हो रही है, प्रोड्यूसर को मैंने प्रॉमिस किया है। हाँ मगर वो देखिए प्रोड्यूसर। अरे कोई नुकसान नहीं होगा, आज दूल्हा दुल्हन से हम आपको मिल रहे हैं। आइए ना, आपको जाना है, देर हो रही है। जी सुनिए तो आइए ना। ये है अमित, कांग्रेचुलेशन। और ये हमारी बिटिया। कांग्रेचुलेशन, चेहरा तो दिखाओ। अरे ये लाइट को क्या हो गया, कोई देखो भाई, लाइट ऑफ करो। अरे बाबा थैंक्स। ओके बाबा नमस्ते सर। जैकी साहब शूटिंग देखने आऊंगा। ओके अभी तू भी शूटिंग देखने जाएगा? यहाँ सब कुछ बड़ी शांति से हो गया यार। तो तेरा कह रहा था यहाँ गोलियां चलनी चाहिए थी क्या? नहीं नहीं, वो तेरी छोटी बेटी क्या किसी गोली से कम है, दिखाई नहीं दे रही है? अंकल वो आपके लिए मसाला चाय बना रही है। मसाला चाय? विदाई की तैयारी करो, विदाई की तैयारी करो। कहाँ जा रहा है? इनको छोड़ने जा रहा हूँ। ड्राइवर है ना, इनको छोड़ देगा, तू चल मेरे साथ। हाँ। चांद हो या आफताब हो जो औ दूध मजा आया। हाँ तो साली जान आखिर अपना घूंघट वाला फॉर्मूला हिट हो ही गया। अरे छोड़ो छोड़ो, ये फॉर्मूला तो फ्लॉप होने वाला था। ये तो मुझे दाद दो जिसने एन वक्त पर जाके लाइट ऑफ कर दी थी। क्या बात कर रही हो, वो लाइट तुमने ऑफ की थी? हाँ। अरे साली जान तुम बैक फरमान ने आओ।
बहुत अच्छे जा रहे हो बेटे, बहुत अच्छे। साले एक टिकट पर दो दो पिक्चर देखना चाहता है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि तुम मेरे माशूक के कमरे में फूल लेकर क्यों आए? अबे वो तो डैडी ने मेरे हाथ पे पकड़ा दिया था यार। ओह, और फिर अंदर आने के बाद तुमने दरवाजे की कड़ी क्यों लगाई? कड़ी मैंने इसलिए लगाई ताकि वो लोग फिर से अंदर नहीं आ जाए। और कड़ी लगाने के बाद तुमने दूध का ग्लास क्यों पिया? भूखे मारी मेरी जान निकल गई यार। और दूध पीने के बाद तुमने यू यू क्यों किया? दर्द के मारे मेरा बदन टूट रहा था इसलिए अंगड़ाई ले ली। और अंगड़ाई लेने के बाद तुमने इसे गले लगाने की जरूरत कैसे की? अबे हद हो गई यार, वो तो मैंने खुशी के मारे गले लगा लिया। हाँ? आप लोग चीज में साली साली आधी घर वाली हो गई तसल्ली। हाँ कुछ हद तक तो हो गई, मगर पूरी तसल्ली के लिए मैं कुछ और भी लाया हूँ बच्चू। ये क्या है? ये राखी है। चल शिका जल्दी से इसे राखी बांध दे ताकि कोई भी रिस्क बाकी ना रहे। अबे ओए, अगर मैं इसे अपनी बहन बना लूंगा तो सनम भी तो मेरी बहन बन जाएगी, पागल है क्या? आनंद तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या तुम्हें अपने प्यार और यार दोनों पे भरोसा नहीं है? है ना डार्लिंग, पूरा भरोसा है। अब अगर भरोसा है तो हमारी जासूसी छोड़, वहां सनम तैयार हो गई होगी, उसे ले आ प्लीज यार। प्लीज बोलता है तो दो मिनट पे लेके आता हूँ। अरे तू सारी एनर्जी अभी वेस्ट करेगा तो उसके आने के बाद क्या करेगा? अबे जाना यार, बस मैं अभी गया उसे लाया। आखिर हम हर मुसीबत का सामना करते हुए एक दूसरे के हो ही गए। पर मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूं। तो लो तुम्हें ख्वाब से निकालकर हकीकत में ले आता हूं। हाय, कितना सुंदर लॉकेट है। ये लॉकेट मुझे डैडी ने दिया है, उन्होंने बताया है कि ये मेरी माँ की निशानी है और माँ की ख्वाहिश थी ये लॉकेट उसकी बहू को पहनाया जाए। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, बस अब और कुछ मत कहो। हमें ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अब तो हमें एक होने से तुम्हारा या मेरा बाप भी नहीं रो सकता। For your kind information, अभी तक तुम्हारे और मेरे पापा को ये भी नहीं मालूम कि हमारी शादी हो चुकी है। अरे तो उन्हें पता चल जाएगा यार, मैं बता दूंगा उन्हें। लेकिन कब? कल। तो फिर स्वागरात भी कल ही होगी। I promise you यार, कल बता दूंगा। एक दिन का उधार तो पराए भी दे देते हैं, तुम तो फिर भी मेरी अपनी हो ना? कल ही बताने का प्रॉमिस करते हो ना? I promise। अब तो उधार मिलेगा ना? उठिए जनाब, क्या दिन भर सोने का इरादा है? नहीं यार, तुम पास आओ। अरे अरे क्या कर रहे हो, मैं घर वक्त पे नहीं पहुंची ना तो सब पोल खुल जाएगी। अरे हाँ वो तो भूल ही गया यार, अब भूल गए। अब ये मत भूलना कि आज डैडी को सब कुछ सच सच बताना है। हाँ बाबा, अच्छा मौका मिलते ही बता दूंगा। ठीक है, मैं रेडी होती हूँ, तुम जाके देखो मैदान खाली है कि नहीं। हाँ? मैं जाऊं? जाओ 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 ना। भूतनाथ, अबे ओ भूतनाथ। अरे अरे डैडी तो इधर ही आ रहे हैं, अब क्या होगा? एक मिनट, घबरा मत। एक काम करो, तुम लेटो। हा? तुम लेटो तो सही। पर क्यों? चुप कर लेटो। क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ, चुप करो। अरे बेटा जी, तुम यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हो मेरे बेटे? कुछ नहीं डैड, योगा कर रहा हूँ। वेरी गुड। शादी के बाद योगा किया जाए तो फिगर मेंटेन रहती है। अपनी बीवी से कहो वो भी योगा किया करे। यस सर। और बेटे ये तुम्हारी टांगे इतनी मुलायम और चिकनी कैसे हो गई? हाँ मैं मेहंदी। अरे डैड, आजकल की लड़कियों को तो आप जानते हो ना, कितनी शरारती होती है। माँ, अब
पति से ना जाने कैसी कैसी फरमाइशें करती हैं। स्वागत में तो डैड यू नो सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती है ना। वो तो है, पर ये टांगों का मुंडन बड़ी अजीब फरमाइश है। क्या वाकई तुम्हारी बीवी ने ये फरमाइश की थी? कमॉन डैड, अब रात में मेरी बीवी ने मुझसे क्या क्या फरमाइशें की हैं ये पूछते हो अच्छे लगते हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था, हमारे वक्त में ऐसी फरमाइश नहीं होती थी ना। ठीक है बेटा, तुम योगा से निपट कर जल्दी तैयार हो जाओ, आज का नाश्ता तुम्हारे ससुर जी के घर पर है। अरे बेटे, तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो, खा लो। खा रहा हूँ। नहीं नहीं, कहाँ खा रहे हो, एप्पल दो उसको। हाँ क्यों नहीं, लो एप्पल लो। आंटी एक मुझे भी। हाँ हाँ इसे दो, दो, दो उसको भी दो। तुम पहले एक बात बताओ यार। हाँ जी। तुम फेविकोल कंपनी के एजेंट तो नहीं हो? नहीं, क्यों? चिपकते बड़े कस के हो यार। वाह भाई वाह, दोस्त से समधी क्या बने, हमारी तो पोजीशन ही डाउन हो गई। अरे भाई थोड़ी देर हमारा भी इंतजार कर लेते, हमें भी भूख लगती है यार। अरे यार, एक तो 11:30 बजे आता है, ऊपर से दोषी हम ही को ठहराता है, भूख की हमारी जान निकली जा रही थी। चल बैठ, जो कुछ बचा खा ले। अरे बैठेंगे भी और खाएंगे भी, उससे पहले देखो तो हम क्या लाए हैं। इसके लिए काला पानी का वन वे टिकट। हाँ वो जरा बाद में, उससे पहले हमारी बहू के लिए और हमारे नटखट साहबजादे के लिए 2 फर्स्ट क्लास की टिकटें स्विट्जरलैंड की। रात की फ्लाइट है, सब इंतजाम हो गया है, होटल का, गाड़ी का, सब फिट, बस जाने की तैयारी करो। गड़गड़ 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 खान। अंकल। क्या कहा? अंकल पिताजी को बेटा, पिताजी। जी जी, मेरा मतलब है पिताजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। पिताजी, वो आप चाहते हैं ना कि मैं आपके घर जल्दी आ जाऊँ? हाँ तो? तो फिर आप मुझे अपने आप से इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा करूँ। यकीन नहीं आता कि आज के युग की लड़की है। जीती रहो बेटी, जीती रहो, ये टिकट अपने पास रखो, जब मूड आए चले जाना। हाँ। ओके बाय। अरे तू कहाँ जा रहा है, नाश्ता तो करके जा। भूख मिट गई ओबेरॉय बहू की बातें सुनकर, अब मुझे तैयारी भी करनी है, बॉम्बे भी जाना है, मैं फिर आऊंगा। अरे स्विट्जरलैंड से जान छूटी तो अभी शिखा को मुंबई ले जाने की तैयारी हो रही है। आखिर कब तक हम यूं झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे? और तुम तो कह रहे थे कि तुम डैडी को कल ही सब कुछ बता दोगे। हाँ यार, लेकिन मैं और डैडी आज अकेले में मिले ही कहाँ, थोड़ा सब्र से काम लो, मौका मिलते ही मैं। और मौका कब मिलेगा? जब शिखा मुंबई चली जाएगी तब तुम यहाँ बैठ के मौके का इंतजार करो। मैं जा रही हूँ, डैडी को सब कुछ बताने। सनम सनम, एक दिन का उधार तो पराए भी दे देते हैं, धोखेबाज। सनम यार, आनंद ये लड़कियां शादी से पहले तो चंद्रमुखी होती है, शादी के बाद ज्वालामुखी कैसे बन जाती है? Damn it! ठीक ही तो कहा उसने, जब बुजुर्गों को सब कुछ बताना ही है फिर अभी क्यों नहीं? ठीक है यार, जो गलतियां हम सबने मिलकर की हैं उनकी सजा मैं अकेले सनम को नहीं भुगतने दूंगा। तुम लोग मेरे डैडी को नहीं जानते हो यार, उसे गोली भी मार देंगे। मेरा सनम के साथ रहना बहुत जरूरी है। वाह प्यारे, मुसीबत के मुंह में यारों के बिना जाना चाहते हो प्यारे, अब जो भी भुगतेंगे साथ भुगतेंगे। कोई रोड क्रॉस करा दो भाई, कोई रोड क्रॉस करा दो। चुपचाप अंदर बैठ जा, चल चल अंदर। बहस ही किए जाओगे या कुछ करोगे भी? यह मेरी बेटी की जान खतरे में और तुम दोनों सिर्फ। भाभी जी ठीक कह रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतना सारा माल आएगा कहां से? सनम को छोड़ने के उन गुंडों ने पूरे 10 करोड़ रुपए मांगे हैं, और वो भी 4 बजे से पहले। अरे उसके लिए अगर मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े तो भी बेच दूंगा, आफ्टर ऑल वो हमारी बेटी है। भाई साहब ये आप कह रहे हैं? हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ। अरे भाई मैं सनम से कितना भी नाराज हूँ, वो घर का मामला है, लेकिन कोई बाहर वाला आकर हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। डैड 10 करोड़ और ये सनम की जान खतरे में, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अंकल आखिर बात क्या है? सनम को किसी गुंडे ने पैसों के लिए किडनैप किया है। क्या बात कर रही हैं आप, कौन है वो? त्रिकाल। त्रिकाल, त्रिकाल। त्रिकाल के जाल में
फंसा के। तूने बहुत अच्छा किया हीरो, वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। त्रिकाल साहब, मुझे बेहद खुशी हुई कि आप मुझसे हैप्पी हुए, मगर अफसोस। ये क्या किया तुमने? इससे तो हमें 50 लाख रुपए लेने थे। हाँ, लेकिन फिर भी अगर इसकी औकात 50,000 रुपए देने की भी होती तो भी त्रिकाल इस पर इतनी महंगी गोलियां खर्च कभी नहीं करता, कभी नहीं करता, समझे? समझे? वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। अब तो उस 10 करोड़ की फिक्र है जो इस चिड़िया का बाप लाने वाला है। इससे पहले कि डैडी ओबरा अंकल पैसे लेकर त्रिकाल तक पहुंचे, हमें सनम को छुड़ाना होगा। अरे 4 बजने से पहले हम त्रिकाल के 12 बजा देंगे। अरे अब तुम इस हीरो डायरेक्टर गोकुल पाई का कर्मा देखना। उस खलनायक त्रिकाल को त्रिमूर्ति बना के ऐसा परदेश भेजूंगा कि 10 करोड़ तो क्या, 10 पैसे का भी सौदागर नहीं रहेगा वो। अरे ये रास्ते में खटारा किसका खड़ा है यार, हटा उसे। ओए ओए खटारा, ओए ठहरा हो गए के साले। कौन बोला रे साला? सर आप मैं तुम्हारा तुम्हारा मैडम को वाइफ बनाकर अपना लाइफ बनाकर हनीमून के वास्ते जा रहा था, लेकिन बीच में एक गाड़ी मेरे को धोखा दिया ना। मगर तुम तिरछी टोपी वाला इधर क्या करता रे? सर किसी त्रिकाल ने सरम को किडनैप करके पुराने खंड में रखा हुआ है। अगर हमने उसे 4 बजे तक नहीं छुड़ाया तो उसे चांद से मार डालेगा। अरे तो तुम लंबी लंबी बातें करके इधर क्यों खड़े हो? जा बैठो गाड़ी में, मैं इस खटारे को हटाती हूँ। थैंक यू सर। यही है, चलो देखा जाएगा जो भी होगा। दे दे।
कोई है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। क्या हुआ? बचाओ 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 अटक गए गंजे, तुझे मालूम है ना अब तुझे क्या करना है? वरना तेरी तरबूज जैसी खोपड़ी है ना, इसे मैं संतरे जैसी बना दूंगा। हथियार फेंक दो, हथियार फेंक दो, हथियार फेंक दो, हथियार फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। देख घड़ी देख त्रिकाल, अभी चार बजने में पूरा एक मिनट बाकी है। चार बजे से पहले पहुंच गए। ओह नो, तुम्हारे पीछे बंदूक है। मेरे पीछे है ना? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अरे इसने तो इन सबको भी किडनैप करके रखा हुआ है। अरे हम पैसे लाए हैं ना। बहुत जान है इन हाथों में लड़की, इन हाथों ने त्रिकाल को डरना दिया। ये हाथ मुझे दे दे लड़की। त्रिकाल, प्रेम नाथ, अगर ये बच्चा फिर से चिल्लाए तो इन बुड्ढों को गोली मार देना। हाँ। ये हाथ मुझे दे दे लड़की, ये हाथ मुझे दे दे लड़की। कुंडे पिल्ले। सर आप हमारा स्टूडेंट लोग प्रॉब्लम होएंगे तो हमारी मुंड में जाएंगे। नेवर। देख रहा पत्थर मारेगा, मुंह बंद करे, टोपी दे, टोपी दे। थैंक यू सर। से क्या कहा, बोलना यार, हमारी आपस की बात। अच्छा अच्छा। कार्टून किधर? देख ये फेविकोल का एजेंट तो बड़ा काम कर रहा है। मैं खामखा डांटता था इसको यार। सोच लो। चिकने, अबे इधर देख, अबे मैं बोल रहा हूं एक बंदर भी नहीं पकड़ सकता। ये था कनाडा का पैंतरा। अच्छा, अब मेरा इंडियन पैंतरा देख। अच्छा आजा,
आजा 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 ता ता रा ता 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 रा या उ या यो ये या अरे तू तो मेरे को चो 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 चूना लगाता है। हाँ, ये तो फो 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 फोन है। फोन लाइदर रुकना बात करने देना। हेलो डार्लिंग, आज मैं बहुत जल्दी आऊंगा। यस स्वीटहार्ट। मुर्गा मुर्गा लड़की मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई। सनम अमित की मां का लॉकेट। सनम अंकल आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं मगर शिखा बेटी जल्दी करो फ्लाइट का वक्त हो रहा है। डैडी मुझे आपसे कुछ कहना है। जो भी कहना सुनना है मुंबई जाकर कहना। नमस्ते। जीती रहो बेटी, भगवान करे अगले 7 जन्मों तक तुम ही मेरी बहू बनी रहो। बीच में कोई दूसरी आ गई तो मैं उसे गोली मार दूंगा। लेकिन डैडी ये मेरे जीने मरने का सवाल है। जो भी सवाल जवाब है मुंबई जाकर करना। हाँ ओबेरॉय अमित और शिखा आज ही रात को स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। डैडी अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं जहर पी लूंगा। जहर बाद में पीना, पहले शरबत तो पी लो। शिखा तुम तो ये कौन है? ये सनम है मेरी बहू। क्या सनम? हाँ बरकुरदा, तुम क्या समझते थे कि घूंघट का खेल सिर्फ तुम ही खेल सकते हो? तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वाह अंकल वाह, क्या नेले पे देला मारा आपने। ये मेरा ये सब क्या नाटक है ये? अरे नाटक तो इन बच्चों ने किया था। अमित की शादी शिखा से नहीं सनम से हुई थी। सनम ये सच है? हैरान, लोग क्या कहेंगे, छोटी की शादी होगी और बड़ी अब तक कुंवारी बैठी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसके लिए पट्टा आनंद है ना, जिसे शिखा प्यार भी करती है। क्या शिखा, क्या ये भी सच है?
इसका मतलब ये फेविकोल का एजेंट आखिर छिपा के गया? लेकिन आज से ये फेविकोल का एजेंट नहीं है, आज से मेरा दूसरा बेटा है। अब बोल मेरे दूसरे बेटे के लिए तुझे अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता मंजूर है कि नहीं? हटा यार। अच्छा चलो हाँ, मुबारक हो मेरा जी, एक बहू लेने आए थे और दो दो बहुएं लेकर जा रहे हैं। थैंक यू। लेकिन शिखा और सनम के बिना जीजा जी का घर एकदम सुना सुना हो जाएगा। हाँ साले मिया, काश हमारा कोई तीसरा बच्चा भी होता। मैं बिगड़ी लड़की, मेरे पीछे मत डालने, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले। ए मैं लड़का पागल, कौन मुझको संभाले, तिरछी टोपी वाले।